वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें आगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप आपके फ़ोन में गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपका फ़ोन रूटेड होना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तभी ये ट्रिक काम करेगा, अगर नहीं है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो ऐप चाहिए, एक बिल्ड प्रो और दूसरा कैमरा का ऐप। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो वीडियो देखते रहो, मैं दिखाता हूँ कैसे बिल्ड प्रो ऐप डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हमें पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। मैं गूगल प्ले स्टोर में जाता हूँ, देखते रहो। यहाँ पे सर्च में बिल्ड प्रो लिखकर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ऐप आएगा बिल्ड प्रो एडिटर, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मुझे ओपन करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद न्यू टैब आएगा, यहाँ पर एक कमांड हमें ऐड करना पड़ेगा। वो कमांड भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो आप सेव करना है, तो सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। हमारा काम हो गया, अब हम कैमरा के ऐप पे जाएंगे। आप आपके फोन एक बार रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो कैमरा का ऐप खुल गया है, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। सेटिंग में देख लीजिए, सेटिंग में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना पड़ेगा। अब मैं पोर्ट्रेट ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे पोर्ट्रेट कैमरा चलता है, देखते रहिए। तो पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि टैप टू फोकस, मतलब कोई भी फेस आपके सामने है उसको उस पर टैप करके फोकस करना पड़ेगा। कोई भी दिक्कतें नहीं है यहाँ पर। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ जो कि मैंने गूगल कैमरे से क्लिक किया था। देखिए यहाँ पर जो ब्रोके इफेक्ट आता है वो बढ़िया है, बहुत ही बिल्कुल MIA1 की तरह है पोर्ट्रेट मोड। तो मैं आपको और कुछ सैंपल दिखाता हूँ, देखते रहो। पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये मेरा Redmi Note 4 है, मैं Redmi Note 4 में ही ये ट्राई किया है, आप आपके फ़ोन में ये ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर करो और सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक भी कर देना। चलो बाय।